तृणमूल कांग्रेस के नेता और गायक बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को औपचारिक रूप से भाजपा का दामन छोड़ दिया है। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अपने सांसद पद का इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते वक्त बाबुल सुप्रियो भावुक होते हुए बोले कि उनका राजनीतिक सफर बीजेपी के साथ शुरू हुआ था और आज पार्टी छोड़ते हुए उनका दिल भारी हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री, पार्टी प्रमुख और अमित शाह का अपने ऊपर आत्मविश्वास करने के लिए आभार जताया। साथ ही उनका कहना था कि उन्हें मन से लग रहा था कि अब वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने दिल की सुनी और सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो आसानसोल की लोकसभा सीट से सांसद थे। उन्होंने कहा है कि इसी सीट पर आगे होने वाले चुनाव लड़ने का फैसला अब ममता करेंगी। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो पहली बार भाजपा के टिकट से 2014 में आसनसोल सीट से चुनाव जीते थे। साथ ही मोदी कैबिनेट के सबसे छोटे केंद्रीय मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। बाबुल सुप्रियो पहले ही टीएमसी में शामिल हो चुके थे। आज उन्होंने बस औपचारिक रूप से बीजेपी को छोड़ा है। आईटीबी न्यूज रूम की रिपोर्ट।